जनपद आगरा में कल से 15 फरवरी से आर्मी की रैली आयोजित की जा रही है, जिसमें आसपास के जनपदों से बच्चे आकर फिजिकल और दौड़ की एग्ज़ाम दे रहे हैं और इसमें व्यापक सुरक्षा व्यवस्था जो है बनाई गई है। इसके प्रभारी के तौर पे, सहायक के तौर पे सहायक पुलिस अधीक्षक हरि पर्वत और SPCT के नेतृत्व में पूरी सुरक्षा व्यवस्था और इंटेलिजेंस कलेक्शन का कार्य दिया गया है। आज कल की कार्रवाई में हमारी टीम को, थाना सिकंदरा की टीम को काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त हुई, जिसमें कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से 10 स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, जिसने फर्जी आधार कार्ड या फर्जी आवासीय निवास प्रमाण पत्र के आधार पर एग्ज़ाम में भर्ती में हिस्सा लिया है और सक्सेसफुल होकर अपने कैरेक्टर वेरिफिकेशन या सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का कार्य कर रहे थे। इसके अतिरिक्त 5 वो लोग गिरफ्तार हुए हैं जिन्हें जो कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से फर्जी आधार कार्ड, फर्जी निवास प्रमाण पत्र या फर्जी जाति प्रमाण पत्र और फर्जी अन्य डॉक्यूमेंट्स तैयार करते थे और बच्चों को उपलब्ध कराते थे, इन 5 को भी गिरफ्तार कर कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये पूरी प्रक्रिया में निवास के स्थान के हिसाब से डेट फिक्स किए गए हैं और बच्चों को, कैंडिडेट्स, एक्स्ट्रा मौका मिले फर्जी निवास प्रमाण पत्र या आधार कार्ड तैयार कर अलग अलग दिनों में हिस्सा लेते हैं ताकि उन्हें अधिक मौका मिल सके। और इसके लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम, पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस की टीम, पुलिस की टीम लगी हुई थी और हमने व्यापक अभियान के तौर पर कल कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये हमारी अभियान लगातार चलती रहेगी जब तक ये कार्रवाई आर्मी भर्ती रैली चल रही है। और मैं इसलिए अपील भी करूंगा कि कोई भी व्यक्ति किसी के झांसे में आए बिना फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर इसमें हिस्सा न ले, अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाएगा और भविष्य में वो किसी भी इस प्रकार के नौकरी पाने से वंचित रहेंगे। अतः जो है सभी लोग ध्यान दें और हमारी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है, सहयोग हमें मिलिट्री इंटेलिजेंस का भी मिला है। मैं उन सभी लोगों को शुभकामनाएं और बधाई। बरामदगी सर क्या हुई इस गिरोह के पास से? इस पूरे गिरोह के पास से काफ़ी मात्रा में जो है कूटरचित डॉक्यूमेंट हमें मिले हैं। इनके पास से 2 लैपटॉप, 1 कलर प्रिंट